अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और देखा जाए तो लॉकडाउन में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः वे पालन करते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान ने जो तबाही मचाई है उससे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उड़ीसा जाकर, पश्चिम बंगाल जाकर वहाँ के हालात का जायजा लेना चाहते हैं ताकि राज्यों को हर तरह की मदद, ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाई जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे कोलकाता पहुंचेंगे, वहां राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी चर्चा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, वापसी में फिर राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। भुवनेश्वर में जो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक, उनके साथ उनकी चर्चा होगी। फिर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, ओडिशा में कहां क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। और प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि जो उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी पूरी भरपाई की जाएगी। इस संकट की घड़ी में पूरा देश पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको इससे संबंधित और भी जानकारी देंगे, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, उड़ीसा में जो कुछ हुआ, लेकिन एक रेलवे की ओर से जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि कल से यानी कि शुक्रवार से काउंटर पर भी टिकट मिलेंगे। रेलवे ने इसकी व्यवस्था कर ली है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन कराना है उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। फिलहाल अगर हम बात करें पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, देखा जाए तो चक्रवात अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में कम से कम 72 लोगों की मृत्यु की खबर की पुष्टि हो चुकी है तथा कई जिलों एवं अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण ओडिशा के कई तटीय जिलों में बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित जिलों का दौरा करने और तबाह हो गए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए सहायता देने का आग्रह किया था। बहरहाल यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों प्रदेशों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, तो इस पर पीएमओ सूत्रों ने केवल इतना ही कहा कि वह चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि उन्होंने चक्रवाती तूफान अम्फान द्वारा मचाई गई भारी तबाही के दृश्य और मंजर को देखा। उन्होंने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थिति के जल्द से जल्द सामान्य होने की मंगल कामना की। मोदी ने कहा, मैंने चक्रवाती तूफान अम्फान द्वारा पश्चिम बंगाल में मचाई गई तबाही के दृश्य देखे। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता से खड़ा है। राज्य के लोगों की अच्छी सेहत एवं खुशहाली की मंगल कामना करता हूँ। सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मेरी संवेदनाएं ओडिशा के लोगों के भी साथ हैं। राज्य ने चक्रवाती तूफान अम्फान के प्रतिकूल प्रभावों का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारीगण जमीनी स्तर के कार्यों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। मैं कामना करता हूँ कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें चक्रवाती तूफान प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं, शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीबी नज़र रख रहे हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। उधर चक्रवात अम्फान गुरुवार को भले कमज़ोर पड़ गया, लेकिन इससे एक दिन पहले इसने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। तूफान से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, कई पुल नष्ट हो गए हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोलकाता और राज्य के कई अन्य हिस्सों में तबाही के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 100 साल के अंतराल पर आए इस भीषणतम चक्रवाती तूफान ने मिट्टी के घरों को ध्वस्त कर दिया, फसलों को नष्ट कर दिया और पेड़ों तथा बिजली के खंभों को भी उखाड़ फेंका है। इसने ओडिशा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां तटीय जिलों में विद्युत और दूरसंचार से जुड़ा आधारभूत ढांचा नष्ट हो गया है। ओडिशा के अधिकारियों के आकलन के अनुसार चक्रवात से लगभग 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद संवाददाताओं से कहा, अब तक हमें मिली खबरों के अनुसार चक्रवात अम्फान के चलते 72 लोगों की मौत हुई है। दो जिले उत्तर और दक्षिण 24 परगना पूरी तरह तबाह हो गए हैं। हमें उन जिलों का पुनर्निर्माण करना होगा। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी कि वह राज्य को सभी सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा, मैं बहुत जल्द प्रभावित इलाकों का दौरा करूंगी, बहाली कार्य जल्द शुरू होंगे। उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा कोलकाता के एक बड़े हिस्से में
कल शाम से बिजली गुल है, यहाँ तक कि टेलीफोन और मोबाइल फोन सेवाएं भी ठप हैं। बनर्जी ने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा भीषण चक्रवात और नुकसान कभी नहीं देखा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चक्रवात अम्फान प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए आने को कहूंगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 से 2.5 लाख रुपये तक का मुआवजा देने की भी घोषणा की। उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा कोलकाता के अतिरिक्त पूर्वी मिदनापुर और हावड़ा जिले भी पूरी तरह प्रभावित हुए हैं और कई जगहों पर इमारतें नष्ट हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की सही संख्या बता पाना या संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर पाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित इलाकों तक पहुँचना अभी मुश्किल है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कोलकाता में 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से अनेक कारें पलट गईं, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे जगह जगह सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। कोलकाता और अन्य जिलों के अनेक हिस्सों में बिजली नहीं है। संचार टावरों के नष्ट हो जाने से टेलीफोन और मोबाइल फोन सेवाएं ठप हो गई हैं। लोगों ने 6 घंटे तक चली भीषण हवाओं से हुए नुकसान का जिक्र किया। तूफान से मकानों की खिड़कियां टूट गईं, एयर कंडीशनर ताश के पत्तों की तरह उड़ गए, जलमग्न सड़कों पर अनेक कार तैरती दिखीं। 30 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर रहने वाली मिठू चटर्जी ने बताया, कल 6 घंटे बेहद डरावने थे। ऊपर की मंजिलों पर रहने वाले लोग नीचे आना चाहते थे, लेकिन लिफ्ट ठप हो गई थी। चक्रवात कमजोर होकर बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है, जहां इससे 10 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार की रात से राज्य सचिवालय से स्थिति पर नजर रख रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान का असर कोरोना वायरस से ज़्यादा भीषण है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, स्थिति बहुत गंभीर है, हम आपदा की स्थिति में हैं। बनर्जी ने सर्वाधिक प्रभावित जिलों की स्थिति के बारे में कहा, कोई पुल नहीं बचा है, विद्युत आपूर्ति लाइन पूरी तरह ठप हो गई है। प्रभावित जिलों में आश्रय केंद्रों में लोग कोरोना वायरस की वजह से दिए गए भौतिक दूरी बनाए रखने के परामर्श को भूलकर भोजन के लिए धक्का मुक्की करते दिखे। राज्य सरकार ने 5 लाख लोगों को तूफान की वजह से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इसमें दिल्ली में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई तथा कहा गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान और समय पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों की तैनाती से कम नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीएमसी को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य सचिव ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों की समय पर तैनाती से पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख और उड़ीसा में लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिली। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पश्चिम बंगाल खासकर कोलकाता में बहाली कार्य को गति देने के लिए राज्य में अतिरिक्त टीम भेज रहा है। भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज खासकर चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे कि प्रभावित लोगों को तत्काल मदद मिल सके। बिजली मंत्रालय और दूरसंचार विभाग भी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सेवाओं की जल्द बहाली में मदद करेंगे। बयान में कहा गया कि रेलवे जल्द से जल्द अपना परिचालन शुरू करने की प्रक्रिया में है, जिसके बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ओडिशा ने सूचना दी कि उसके यहां नुकसान मुख्यतः फसलों को हुआ है। कोलकाता में सेंट्रल एवेन्यू में बरगद के पेड़ के नीचे स्थित एक छोटा मंदिर नष्ट हो गया। अधिकारियों के अनुसार शहर और राज्य में 1000 से अधिक मोबाइल टावर नष्ट हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल सुंदरवन डेल्टा के तटबंधों को पार कर पानी ने कई किलोमीटर के क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। दक्षिण 24 परगना में बुधवार की रात तूफान की वजह से 4 JTB नष्ट हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम पेड़ों और खंभों के गिरने से अवरुद्ध सड़कों को सुचारू करने में युद्ध स्तर पर जुटी है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में शुक्रवार को विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक होगी, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। करीब 17 राजनीतिक दलों ने इस बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अब तक बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। यह बैठक शुक्रवार को 3 बजे बुलाई गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर प्रवासी श्रमिकों से जुड़े इस संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। बैठक में कुछ प्रदेशों में श्रम कानूनों में किए गए हालिया बदलावों को लेकर भी चर्चा होगी। कुछ राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए कामकाज के घंटों को बढ़ाया गया है। उधर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम केयर फंड के दुरुपयोग संबंधी ट्वीट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने यह जानकारी दी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर शहर के पुलिस थाने में बुधवार को एक व्यक्ति
प्रवीण केवी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। प्रवीण ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आधारहीन आरोप लगाकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया है। प्रदेश कांग्रेस ने इस संबंध में मामला दर्ज किए जाने की आलोचना की है। इस बीच घरेलू हवाई यात्रा किराए की उच्चतम सीमा नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकटों की दर की 7 श्रेणियां जारी कर दी, जिनमें किराए की निम्न और उच्च सीमा निर्धारित की गई है। इस तरह की प्रथम श्रेणी में 40 मिनट से कम अवधि की उड़ानें शामिल हैं। डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि इस अवधि की उड़ानों के लिए न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम किराया 6,000 रुपये होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि 40 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, 90 से 120 मिनट, 120 से 150 मिनट, 150 से 180 मिनट और 180 से 280 मिनट की उड़ानों के लिए किराए की निम्न और उच्च सीमा, इसको आप जैसा हमने बताया उसी हिसाब से आप इसको क्रम अनुसार लगा सकते हैं। हम नीचे दिए टिकर में भी आप देख सकते हैं कि सीमा है 2,500 से 7,500 रुपये, 3,000 से 9,000 रुपये, 3,500 से 10,000 रुपये, 4,500 से 13,000 रुपये, 5,500 से 15,700 रुपये और 6,500 से 18,600 रुपये। अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं आजकल नक्शा नक्शा खेल रहे हैं। हमने देखा कि नेपाल ने अपना जो नया नक्शा जारी किया है उसमें भारत के कुछ हिस्से को अपने देश में दिखा दिया है। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि एक पक्षीय ढंग से आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपके मन में जो दुविधा है, जो संशय है, उसको द्विपक्षीय बातचीत के मतलब से हल किया जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई से नेपाल को बचना चाहिए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति नेपाल के समक्ष दर्ज करा दी है। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद अकल आ गई है और शायद जो कोरोना वायरस संक्रमण से जिस तरह से पूरी दुनिया जूझ रही है, तो उस काल में, कोरोना काल में पाकिस्तान को शायद अकल आ गई है कि पीओके उसका नहीं है, पीओके भारत का है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने COVID-19 के मामलों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट में ग्राफिक्स के जरिए दर्शाया गया है कि कहां कहां पर कितने मामले हैं। तो पाकिस्तान की सरकार ने उस वेबसाइट पर जो नक्शा दिखाया है उसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया। तो पाकिस्तान की अगर ये सद्बुद्धि है तो बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान ने चलिए मान लिया है कि पीओके भारत का है। ऐसा कहा जाता है कि एक कहावत है बहुत पुरानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन शायद बातों से पाकिस्तान मानता नजर आ रहा है। लेकिन हमें ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा नहीं है कि वो बातों से मान जाए, क्योंकि वो लातों का ही भूत है।